अखिल भारतीय कर्मचारी कल्याण संघ चिंदाबाद अखिल भारतीय कर्मचारी कल्याण संघ चिंदाबाद। ये जो प्रदर्शन आपका किस बात को लेकर चल रहा है, क्या मांग हो रही है आपकी? सरकार इन सफाई कर्मचारियों को, इन कोरोना योद्धाओं को पूरी तरीके से इनके परिवार को उजाड़ने के ऊपर लगी हुई है। अच्छा, एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हम सफाई कर्मचारियों को सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री इनके पैर धोते हैं, मुख्यमंत्री इनकी सराहनाएं करते हैं, पर एक तरफ से इनके साथ जातियां की जा रही है, इनके परिवार के लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। इन्होंने नगर निगम गुड़गावा को, इस प्रदेश को सफाई के लिए अपना पूरा जीवन इन निछावर कर दिया। उसके बाद आज मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार को मैन पावर के ठेके हटा के वर्कआउट सोर्सिंग के ठेके क्यों करने पड़ रहे हैं? उसके बाद निगम का जो अधिकारी है वो झूठ इतनी ज़्यादा, मतलब अब कल रात को तो झूठ की वो हद पार हो गई। बिना यूएलबी की परमिशन, बिना सरकार की परमिशन लिए आज जॉइंट कमिश्नर ठेके को रिन्यू करने की चिट्ठी इशू कर रहा है। पूछना चाहूंगा उस जॉइंट कमिश्नर से, जयदीप से, कि उसने किसके पूछने के, कौन सी सरकार ने उसको कहा कि तू 2 महीने के लिए ठेके एक्सटेंड कर दे? और अगर 2 महीने के लिए अगर तूने ठेके एक्सटेंड कर भी दिए तो फिर आज 10 तारीख आज कॉन्ट्रैक्टरों को ठेके ने वर्कआउट सोर्सिंग का टाइम क्यों दे दिया? क्यों दोबारा ठेके कर रहे हो आप लोग? जब आपने एक्सटेंड कर दिया 2 महीने तो उस बात पर रहो, और फिर उसके बाद आप वर्कआउट सोर्सिंग के ठेके कर रहे हो। आप कर्मचारियों को क्या किया इन्होंने, जो ठेके के वर्कआउट सोर्सिंग के होने के बाद जो लोग बेरोजगार होने थे, इन लोगों ने 1.5 महीना पहले ही इन लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। इसके बारे ये विरोध प्रदर्शन हमारा पिछले 1.5 महीने से चल रहा है, यहीं पे। अच्छा अच्छा, तो उम्मीद लग रही है कुछ मांगे प्रशासन? देखिए, हमारा प्रशासन